मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। ये आपको मैंने पहले बनाने भी सिखाया हुआ, लेकिन कुछ बच्चियों ने बहनों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको सिखाइएगा इस बार। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये भी, क्योंकि यखनी में सारा जायका होता है। यहाँ पे मेरे पास जो है आधा किलो चिकन है बोनलेस, अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बहनें इस चीज़ के बारे में कहती हैं कि हड्डी का करें कि नहीं, आपको बता दिया, इन बोथ केसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो, बोनलेस भी और जो है हड्डी के साथ वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे लहसुन 14 क्लोज जो है उसके पीसेस थे लहसुन के, उनको मैंने छोटे छोटे थोड़ा सा काट लिया ताकि अच्छे से जायका जो है यखनी में आ जाए। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक बड़े साइज की प्याज रख ली आपने, तमाम चीजें चॉप करनी है। उसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्च, ये मैं तीखी वाली डाल रही हूँ, 2 हैं, और गाजर जाएगी बीच में छील कर, इसको इस लंबाई में काट लें, एक जो है थोड़ी सी बड़े साइज की थी, और बीच में जाएगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। ये मैंने 15 जो है काली मिर्च के दाने लिए थे, उसको मैंने हल्का सा यूँ क्रश कर लिया था। नमक इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून फिलहाल सिर्फ यखनी के लिए, और फिर बाद में जब इसकी तैयारी करेंगे तो उसमें और नमक अपने जायके के मुताबिक हम ऐड कर लेंगे। और बीच में यहाँ पर आपने ऐड करना है अब पानी, 3 लीटर जितना हम इसमें डाल रहे हैं पानी, 3 लीटर पानी, पानी डाल लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे नोर के चिकन के जो क्यूब्स होते हैं वो इसमें 2 अदर डाल रही हूँ। देखिए अगर आपके पास नहीं है तो फिर मत डालिएगा, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा मुख्तलिफ सूप चाह रहे हैं तो मैं आपको इस बार सिखा रही हूँ, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से इसका जायका है। अब यहाँ पर आप इसको हाई फ्लेम पर पहले एक बॉयल का वेट करेंगे, जैसे इसमें बॉयलिंग स्टार्ट हो गया आप इसे कवर करोगे और लो टू मीडियम पे रख के कुक करें। इतना अच्छी तरह कुक करना है कि चिकन जो है जब आप उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल यूँ रेशा रेशा हो जाना चाहिए, इतना अच्छी तरह उसमें ये कि चिकन जो है बोनलेस हो या बोन्स के साथ में उसकी यखनी अच्छी से बननी चाहिए, तमाम जायका इसमें आ जाता है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप, इसमें एक चीज़ और डालूंगी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और बीच में जाता है हरा धनिया, ठीक है, एक मुट्ठी भर मैंने डाला है। अब मैं इसे कुक होने दूंगी, जिस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये देख लें यहाँ पे जो है हमारा चिकन का स्टॉक तैयार हो गया है, इसको मैंने बिल्कुल आराम से पकने दिया था, तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा दिया, और जो है अच्छी से सब्जियाँ भी इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें गाजर भी कितनी अच्छे से, ये देख लें, ठीक है, सॉफ्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसे छान लेना है और चिकन को एक साइड पे कर लें, और जो उसकी सब्जी है उन्हें आप डिस्कार्ड कर दें यानी कि फेंक देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें। यहाँ पर मैंने जैसा आपको कहा था चिकन अलहदा कर लिया था, और जो सब्जी है उन्हें जो है अच्छे से उसको स्ट्रेन करते हुए मैं चमचे से मैंने उसको यूँ दबाया ताकि जितना भी बीच में और जूस है सब्जियों का वो तमाम इसमें आ जाए। तो ये हमारी स्टॉक यहाँ पर होगी, चिकन को मैंने अलहदा कर कर उसे सीखे से श्रेड कर लिया, ठीक है, ये देखें। उसके बाद इसमें जो है सबसे पहले मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न, ये एक चीज़ आपको कैन में ही मिल जाता है, इसे क्रीम ऑफ कॉर्न कहते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा आपको ये नहीं मिलता है, तो सिंपली जो है आप क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्रीम ऑफ कॉर्न नहीं मिलती, जो काफ़ी दफ़ा बच्चों की और बहनों की कंप्लेन भी थी, तो सिंपली आप क्या करते हैं जिससे आपको एक कैन मिलते हैं स्वीट कॉर्न के, ठीक है, इसका वजन है 325 ग्राम्स, इसके अंदर जो पानी होता है इसके साथ ही आप इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है, तो आपका क्रीम ऑफ कॉर्न बन जाता है। तो मैंने यही किया था, उसका पानी डिस्कार्ड नहीं किया, उसी में इसको ग्राइंड किया, और बीच में थोड़ा सा मैंने और पानी डाला था क्योंकि पानी इसमें कम था, और इसे ग्राइंड कर लिया, तो ये वो चला गया बीच में। साथ ही इसमें आप ऐड करते हैं हमारी जो श्रेडेड चिकन है, चिकन भी डाल दी। अब इसमें जो है आप इसको यहाँ पे चखते हैं, अगर आपको नमक कम लग रही होती है आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून डाला था, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसमें जो है नमक ऐड कर रही हूँ अपने जायके के मुताबिक, मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट और डाला है, और इसमें जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें या कुटी हुई आप डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून, ऑप्शनल डालना चाहते हैं आप डालिएगा, नहीं तो वो आप बिल्कुल इसको जो है बीच में रहने भी दे सकते हैं। तो ये कि यहाँ पर इसको फ्लेम मैंने हाई पे रखी हुई है, अब इसमें ज़रा थोड़ी सी बॉइलिंग आने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे जो इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, अब आपने
तीन से चार टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर लेना है और पानी में डाल करके आप उसको जो है मिक्स कर लें ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। यहाँ पे इसमें आप इसको ऐड करेंगे। कितना आपने इसको गाढ़ा बनाना है दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है ना। उसकी कंसिस्टेंसी आपकी अपनी चॉइस पर होनी चाहिए कि कितना गाढ़ा या पतला सूप पसंद करेंगे। गाढ़ा पसंद करते हैं कॉर्न फ्लावर ज़्यादा डाल लें, ठीक है, और अगर पतला पसंद करेंगे तो जो है कॉर्न फ्लावर का इस्तेमाल कम होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको मैं दोबारा एक बॉयल पैन देती हूँ कि मैं देख लूँ कि कितना ये थिक हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो देख लें यहाँ पे जो है इस ये ठंडा होते हुए भी थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे अंडे। दो अंडों को मैंने फेंट लिया था। काफ़ी लोग जो वो अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं कोई चीज़ आया नहीं करती, आप लोगों को चीज़ का पता है, इसलिए यहाँ पर एक हाथ से आप चमचा चलाते हैं और दूसरे हाथ से आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता अंडा ऐड करना होता है। ठीक है, अंडे को फेंट कर डाला था, परफेक्टली बीच में हो गया। अब आप इसको सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट दे दें मीडियम फ्लेम पर और फिर हम इसे करते हैं डिश अप। इसी के से आप इस सूप को तैयार करते हैं। सर्व आप इसे कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ में। हरी मिर्चों को आप सिरके में डाल करके जो है इसका एक ऊपर से सॉस बनती है डालने के लिए, अगर आप चाहें तो सोया सॉस डाल सकते हैं या फिर हॉट सॉस। तो ये इसके साथ जो है सॉसेज इस्तेमाल होती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी आपको पसंद आती हो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे जिसको cookfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।